Friends, welcome to Arjun Education. Today we are going to discuss a prose essay, My Financial Career, written by an England-born Canadian humorist, Stephen Leacock. Friends, Stephen Leacock was born in 30th December 1869 in Hampshire, England, but later he moved to Canada. And he died in March 28, 1944 in Toronto, Canada. उन्होंने 40 से भी ज़्यादा books लिखी, जिसमें Sunshine, Sketches of a Little Town and Arcadian Adventures of the Idle Rich बहुत ही well-known और famous रही हैं. आज जो हम prose piece discuss करने वाले हैं, उसका title है My Financial Career. और ये राइटर का एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, यानी कि ये उसकी खुद की एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको कि उसने एक बहुत ही ह्यूमरिस्टिक अंदाज में हमारे सामने प्रेजेंट किया है. तो ये उस वक्त की बात है जब राइटर ने अपना पहला बैंक अकाउंट खुलवाया था. तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने किस तरह से लिखा है. राइटर कहता है कि मैं जब भी बैंक में जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ. वहाँ पे बैठे क्लर्क्स मुझे नर्वस कर देते हैं, विकेट्स यानी कि जो खिड़कियाँ हैं बैंक्स की वो मुझे नर्वस कर देती हैं, इतनी जो पैसे की साइट है वो मुझे रैटल कर देती है, हर चीज़ मुझे नर्वस कर देती है. जिस वक्त मैं बैंक का दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर जाता हूँ और कुछ भी वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता हूँ, आई स्टार्ट टू बिहेव इन अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल मैनर. मैं एक बेवकूफ़ी भरी हरकतें करने लग जाता हूँ. मुझे ये पहले ही पता था कि मेरी सैलरी जो है वो $50 पर मंथ हो गई है, और मुझे ऐसा लगा कि बैंक ही एक ऐसी जगह है जहाँ मैं इसे सेफली रख सकता हूँ. तो मैंने बहुत डरते हुए धीरे धीरे बैंक में पैर रखा और डरते हुए सारे क्लर्क्स को देखा. मुझे ऐसा एक आइडिया था कि जब किसी को बैंक अकाउंट खुलवाना होता है तो उसे मैनेजर से कंसल्ट करना पड़ता है. मैं एक ऐसी खिड़की पे गया जहाँ पे अकाउंटेंट लिखा हुआ था. अकाउंटेंट एक बहुत लंबा चौड़ा और कूल किस्म का आदमी था, तो मैं तो उसे देखते ही डर गया और मेरी आवाज़ भी डर के मारे एक घोस्टली सी, एक सपल्चरल आवाज़ हो गई. तो मैंने उससे कहा, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? पता नहीं क्यों मैंने साथ में अकेले लगा दिया कि क्या मैं अकेले मैनेजर से मिल सकता हूँ. तो अकाउंटेंट ने कहा, ज़रूर आप मिल सकते हैं. और वो मैनेजर को ले आया. मैनेजर एक शांत और गंभीर किस्म का आदमी था, और मैंने अपने $56 जो कि मेरे पॉकेट में थे उनको एक क्रश्ड बॉल की शेप में हाथ में पकड़ रखा था अपनी पॉकेट में. न जाने क्यों मुझे मैनेजर को देख के डाउट हुआ और मैंने उसे पूछ लिया कि क्या आप मैनेजर हैं? उसने कहा जी हाँ. तो मैंने फिर से उसे ना चाहते हुए भी कह दिया कि मैं आपको कुछ अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ. मैनेजर एकदम हैरान हो गया और उसे ऐसा लगा कि मैं उसे कोई बहुत ही एक ख़तरनाक सीक्रेट बताने वाला हूँ. तो वो मुझे लेके अपने प्राइवेट रूम में चला गया और वहाँ पर उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने को कहा और कहा कि यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे. तो मैनेजर ने कुछ देर बाद मुझे कहा, ओ तो आप मुझे लगता है कि पिंक कर्टन्स के आदमी हैं. मुझे नहीं पता उसे ऐसा क्यों डाउट हुआ, लेकिन मेरा ऐसा अंदाज़ा था कि जिस तरह से मैं एक मिस्टीरियस मैनर में बात कर रहा था, मैं उसे एक डिटेक्टिव लगा हूँ. तो मैं जान गया था अब, और इसकी वजह से मेरी और भी बुरी हालत हो गई. तो मैंने कहा, जी नहीं, मैं पिंक कर्टन से नहीं आया हूँ. तो मेरे ये कहने का मतलब मैनेजर ने ऐसा लिया कि शायद वो पिन कर्टन डिटेक्टिव एजेंसी से नहीं, किसी और डिटेक्टिव एजेंसी से आया है. तो मैंने उनसे कहा, जी नहीं, मैं डिटेक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ. मैं तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट खोलने आया हूँ और मैं अपने सारे पैसे इस बैंक में रखने आया हूँ. मैनेजर कुछ रिलीव्ड तो हुआ, लेकिन अभी भी वो सीरियस था.
और उसने ऐसे अंदाज़ा लगाया कि मैं एक बहुत बड़ा करोड़पति हूँ, बैरन रोज चाइल्ड या यंग गोल्ड के जैसा मिलियनेयर हूँ जो बहुत बड़ा एक अकाउंट खोलना चाहता है। तो मैंने उसे कहा, जी हाँ बहुत बड़ा, मुझे अपने 56 डॉलर्स यहाँ पे जमा करवाने हैं और फिर मैं हर महीने 50 डॉलर्स यहाँ पे जमा करवाऊँगा। मैनेजर एकदम से उठ गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया और ज़ोर से अकाउंटेंट को आवाज़ दी, मिस्टर मॉन्टगोमरी। और वो बहुत रूडली बात कर रहा था। उसने कहा कि ये श्रीमान अकाउंट खोलना चाहते हैं और इसे 56 डॉलर जमा करवाने हैं। और मेरी तरफ़ देखकर उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, यानी कि ये मेरे लिए जाने का इशारा था। मैं उठा और एक बहुत बड़े आयरन के गेट में घुस गया। तो मैंने भी गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं बाहर जाने की बजाय बैंक के सेफ में चला गया था। तो मैनेजर ने रूडली मेरे से कहा, बाहर आइए, और मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद मैं अकाउंटेंट की विंडो पे गया और अपनी सारी मनी एक क्रश्ड बॉल की शेप में उसके सामने रख दी, जैसे मैं एक बहुत बड़ा कोई जादू का ट्रिक दिखाने वाला था। डर के मारे मेरा रंग उड़ा हुआ था और मैंने कहा, ये पैसे डिपॉजिट कर लीजिए। उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए और एक और क्लर्क को दे दिए। क्लर्क ने मुझे एक स्लिप दी और मुझे कहा कि जितने पैसे जमा करवाने हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर एक बुक में मुझसे सिग्नेचर लिए। उसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा था। बैंक मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। कुछ देर के बाद मैंने डरते हुए कांपती आवाज़ में पूछा, क्या पैसे डिपॉजिट हो गए? अकाउंटेंट ने कहा, जी हाँ। तो फिर मैंने कहा, अब मुझे एक चेक ड्रॉ करवाना है, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि 6 डॉलर जो हैं वो मैं अपने प्रेजेंट के यूज़ के लिए रख लूँ। और मैं इतना घबरा गया था कि मैंने सारे के सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। किसी ने मुझे चेकबुक दी एक खिड़की में से और किसी और ने मुझे ये बताने शुरू किया कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। अब सब लोग जो बैंक में थे उनको ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं एक ऐसा करोड़पति हूँ जो कि अचानक से उसको इतनी दौलत मिली है, लेकिन मैं एक इनवैलिड हूँ, एक पागल इंसान हूँ जिसे कुछ भी पता नहीं है। मैंने चेक पे कुछ लिखा और क्लर्क को दे दिया और जब क्लर्क ने उसे देखा तो हैरान होते हुए मुझे कहा, क्या आप सारे पैसे ड्रॉ करना चाहते हैं? तब मुझे पता चला कि मैंने 6 डॉलर की बजाय 56 डॉलर लिख दिया है। लेकिन अब मैं इस हालत में नहीं था कि इस बात की जस्टिफिकेशन दे पाता और मैंने यही स्टैंड ले लिया कि जी हाँ, मैं सारे पैसे जमा निकालना चाहता हूँ। वहाँ पे बैठे सारे क्लर्क्स अपना काम छोड़ के मुझे देखने लग गए और मैं इतना परेशान और इतनी बुरी हालत में था कि मैंने ऐसा इम्प्रेशन दिया कि मुझसे गलती नहीं हुई है, मैंने जानबूझकर सारे पैसे निकलवाने हैं। और मैंने उनसे कहा कि मैं एक एक पाई यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। फिर से क्लर्क ने मुझे कहा, क्या आप पैसे डिपॉजिट नहीं करवाना चाहते? मैंने कहा, नेवर। और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो समझ जाएंगे कि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी है। चेक लिखते लिखते मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मैंने सारे पैसे निकालने के बारे में सोच लिया। लेकिन किसी को तो इस बात की चिंता ही नहीं थी, रादर वो क्लर्क जो था वो पैसे देने के लिए तैयारी करने लगा। और फिर उसने मुझे कहा कि आप ये पैसे कैसे लेना चाहेंगे? पर मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। वो ये जानना चाहता था कि मैं किस तरह के नोट्स लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, 50 डॉलर, 50s में लेना चाहता हूँ। तो उसने मुझे 50 डॉलर का बिल दिया और 6 रुपए भी वापस कर दिए, 6 डॉलर भी वापस कर दिए और मैं जल्दी से बाहर आ गया। जैसे ही मेरे पीछे वाला बड़ा दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे क्लर्क्स के ज़ोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। उस दिन के बाद से मैं बैंक में नहीं गया। उस दिन के बाद से मैं अपना सारा कैश अपने ट्राउज़र की पॉकेट में ही रखता हूँ और अपनी सेविंग्स को सिल्वर डॉलर्स यानी कि बड़ी डिनोमिनेशन के नोट्स में अपनी सॉक्स में रखता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।